कि जिंदगी में मेहनत इतनी कर लो कि बाद में सोचने की ताबीत ना सोचना पड़े सफलता असफलता एक अलग बात होती है मेहनत की ताकत में इतनी खुशबू होती है कि हमें बड़े से बड़े मार्ग या पत्थर को तोड़ने की भी शक्ति दे देती है जो मेहनत करके पढ़ता है वो बेरोजगार नहीं रहता है नौकरी लगना ही एक नहीं है क्या पता इस नौकरी से बड़ा तकदीर भी तुम्हारा लिखा है जब इस दुनिया में हमें रब ने भेजा है वो कुछ सोच कर ही भेजा है सबकी आकृति में सबके चित्र जरूर उकेरे हैं हमें सोचना है उन ताकत को उस विश्वास को पहचानना है अपनी अंतर आत्मा की उस आवाज को जिस आवाज ने हमें इस ओर अग्रसित करने के लिए हमारे उन घर बैठे उन सपनों के लिए जो हमारी ताकत को इतनी मजबूती देते हैं हमें कुछ करके गुजरने की हमें एक शक्ति देते हैं अपने लक्ष्यों में इतनी जान रखो जो सोते हुए नहीं एनी टाइम तुम्हारा अलार्म बनकर तुम्हें जगाएं, अपने लक्षों में इतनी उड़ान रखो कि बेजान शरीर में भी जान आ जाए उन लोगों के लिए उदाहरण बन जाओ उन लोगों की मिशाल बन जाओ जो कल्पनाएं करते हैं सपने देखते हैं परंतु काम करने में बहाने देखते हैं हमें करना होगा सोते सोते आपने देखा होगा संस्कृत में भी कि सोते हुए शेर के मुंह में कभी भी शिकार प्रवेश नहीं करता है दौड़ना उसी को भी पड़ता है जिसको बचना है दौड़ना उसी को भी पड़ता है जिसको शिकार करना है शिकार शिकारी से चूक हो जाएगी तो शिकार निकल जाएगा और शिकार से चूक हो जाए तो शिकारी रह जाएगा सोच लेना जिंदगी में यदि कुछ करना है एक बात हमेशा याद रखना काम करते हैं तो बाधाएं आती हैं काम करते हैं तो बाधाएं आती हैं पर जब काम करने में सफल हो जाते हैं तो वही बाधाएं हौसला बन जाती हैं जब हम काम करेंगे तो बाधा आएंगी अपने बैच में चलो कल छुट्टी थी नहीं आए और वो मैडम ने तो छुट्टी कर दिया चलो आज कोई टॉपिक समझ नहीं आया हमारे मन में डिमोलाइजेशन आ गया बट कल जैसे ही उससे बेस्ट हो गया कल वाला तो हम भूल गए अच्छा मेरा तो काम होना चाहिए और हम आगे बढ़ गए सच में जब चलेंगे तो थकेंगे भी हारेंगे भी गिरेंगे भी हर तरह से डिमोलाइज होंगे अगर उठकर दौड़कर मंजिल कर पहुंच गए तो वही चीज हमारे उदाहरण लोगों के सामने पेश किए जाएंगे जब कोई एक बच्चे कोई एक व्यक्ति सफल होता है जब कभी किसी मेडल को प्राप्त करता है आपने देखा होगा उसकी सफलता से ज्यादा उसकी असफलताओं को उस चुनौतियों में गिनाया जाता है कई कई बार कई बार हमारे कुछ पासे ऐसे होते हैं समय पर आज आप तैयारी कर रहे हो समय पर कभी ऐसा समय आ जाता है जो हमें सोचने पे मजबूर करता है और दुनिया से अलग बनने के लिए आपको कठोर पत्थर और चट्टान बनना होगा सच कहूं तो ये दुनिया केवल और केवल एक पानी के बुदबुदे की तरह होती है सच में हकीकत है ये जब तक उसमें जान है वो एक बुलबुले के रूप में घूमेगी और जब वो बेजान हो जाएगी तो वह पानी में मिल जाएगी सेम इसी तरह का हमारा ये अस्तित्व है काम ऐसा कर लो लोग नाम भुला ना पाए काम ऐसा करो कि लोग नाम भुला ना पाए इन परिस्थितियों को इतनी ताकत बना लो कि इनको ही सोना खाना पीना अपनी जान बना पाए परिस्थितियां हर सफल व्यक्ति के पीछे परिस्थितियां होती हैं किसी को भी अपने आप में विरासत में नहीं मिलती है और जो मेहनत से मिला हुआ होता है जो जमीर से मिला हुआ होता है जो ताकत से मिला हुआ होता है उसकी तो पहचान ही अलग होती है उसकी तो पहचान आप देखिएगा जितनी मेहनत करके सफल लग के नौकरी लग जाओगे तो आप क्या यही संघर्ष लोगों के सामने उदाहरण के रूप में मिशाल पेश आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम फटे पुराने कम कपड़े पहन लेंगे हम कम खा लेंगे हम अभावों में जी लेंगे अरे छह महीने में जान थोड़ी निकल जाएगी हम जब सफल हो जाएंगे तो यही चीज हम लोगों के सामने भी महसूस करने लायक बन जाएंगे कुछ भी बोले परिवार वाले बोलें घर वाले बोलें कई बार बोलेंगे तुम कितनी तैयारी कर रहे हो तुम कैसे हो रहे हो किस तरीके से करिए हो कोई नहीं है जिस दिन सफल हो जाओगे लोगों को बोलेंगे उसको देख चार बार हार मान गया था फिर भी उसने हार नहीं मानी चार बार हार गया था चार बार असफल हो गया हार नहीं मानी देख पांचवी बार में सफल हो गया कुछ फर्क नहीं पड़ेगा झोंक दो अपने आप को कोई होशियार नहीं कोई कमजोर नहीं किसी के तीन दिन में याद होता है तो किसी के पांच दिन में याद होता है याद होना चाहिए अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कंपटीशन में दिमाग की जो बत्ती होती है ना ये जलाए रखना जरूरी होती है बजाय तैयारी से तुम बारह बारह महीने तुम दस दस महीने तैयारी कर रहे हो और उस ढाई घंटे की प्रेजेंटेशन में ये बत्ती चालू है तो निकल जाओगे और ये बत्ती हिल गई तो फिर निकल जाओगे हकीकत है ये इसलिए अपनी प्री प्लानिंग को बनाए रखने के लिए दिमाग की बत्ती को जलाए रखना जरूरी है आप सबसे मैं ये जरूर कहूंगी कि पढ़ना पढ़ाना आपने अपना कर्तव्य पूरा किया है मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया है पर इस कर्तव्य की सिद्धता तब भी साबित होगी जब आप सफल होंगे तुम सोच भी नहीं सकते हो कि एक शिक्षक के लिए खुशी का दिन वो सबसे बड़ा खुशी का दिन होता है जब उसका विद्यार्थी सफल होकर ये कहता है कि मैं अब सफल हो गया जब हम मिलते हैं तो उद्देश्य के लिए मिलते हैं और जब पढ़कर अपनी तैयारियों को अलग करते हैं तो हम मानते हैं इस बात को और हमारे सामने इस बारे में हमेशा एक उदाहरण के रूप में जानना चाहिए कि अपनी कक्षा बिल्कुल मैं खुद कहूंगी अपने मुंह से कि सबसे अलग होती है क्योंकि मैं भी इसी दुनिया में रह रही हूं जहां हर एक मेरी कक्षा में टाइम टेबल की भी अगर बात होगी तो अपनी सर्वसहमति सहमति से होगी एक सिंगल बच्चे के भी दिक्कत आएगी तो मैं कभी भी आपने देखा होगा कभी नहीं थोपती हूं आपकी हर एक बात क्यों क्योंकि आप ही के बल पे हम यहां पर पहुंच आप मेरे लिए तो एक हो पर खुद के लिए तो आप अपना पूरा का पूरा व्यक्तित्व जिस उद्देश्य से दूसरे आए उसके लिए ही आप दूसरे से उसी उद्देश्य से आप आए हो एक परसेंट भी नहीं सोचें आदरणीय मैम और मेरे सभी साथीगण मैं आपके सामने हमारी जो हमारा जो एक सेकंड ग्रेड का एक बैच पूरा हुआ है उसके बारे में कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ उसमें कोई मेरे शब्दों में कोई किस त्रोटी हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ जैसा कि मैंने देखा है इससे पहले भी मैंने ऑनलाइन कोचिंग की है रीट की कोचिंग की है पहले तो वैसा जैसा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का रहा वैसा पहले नहीं पहले मैंने कहीं नहीं देखा मैम का पढ़ाने का तरीका है और पहले जब फर्स्ट टाइम मैं आई थी उस टाइम तो मैंने भी यही सोचा था कि मैं पहले मतलब एक बार क्लास लेके देखूंगी कि मैम कैसे पढ़ाती हैं उस टाइम मैंने ना तो मैम से मिली थी ना मुझे इनके बारे में कुछ पता था ना ही मैंने कोई इनकी क्लास ज्वाइन की थी तो उस टाइम दो तीन दिन मैंने मैम को आके पहले बोला भी था कि मुझे पहले क्लास ले कर देखना है उसके बाद मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगी उसके बाद मैंने पाँच सौ रुपये दे के और दो तीन दिन के लिए क्लास ज्वाइन की फिर मैंने दो तीन दिन पढ़ दो तीन दिन क्या एक दिन ही पढ़ के देखा फिर मैंने मैम का पढ़ाने का तरीका और कुल मिला के बात यह है कि एक शिक्षक को और एक स्टूडेंट के बीच ये जो पढ़ाने का जो तरीका होता है यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कंटेंट और सब्जेक्ट वगैरह तो सभी पढ़ाते हैं और सभी जगह अपने अपने तरीके से सभी लोग पूरा अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो इनका समझाने का तरीका है और जो पढ़ाने का तरीका है वो मतलब इतना अच्छा है कि उससे हमें इतनी ज़रूरत दोबारा पूछने तक की नहीं पड़ती जैसे कोई भी कंटेंट या कुछ भी इन्होंने पढ़ाया है उससे मतलब एक बार ही पढ़ने से सब कुछ इतना साफ और क्लियरटी समझ में आता है कि उससे दोबारा हमें पूछने का पूछने की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं और इनका जो पढ़ाने का तरीका है और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है व्यवहार तो इनका जो व्यवहार है वो शायद ही मैंने अभी तक कहीं भी या किसी भी स्कूल में या कहीं भी किसी भी शिक्षक का नहीं देखा और ख़ासकर कोचिंग का तो कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि कोचिंगों में तो कभी ऐसा अटैचमेंट मिलता ही नहीं है जैसा इनका है किसी से भी यानी इनका प्रत्येक स्टूडेंट इनके लिए इम्पोर्टेंट है यानी जहाँ कहीं भी ये कहीं भी कभी कॉल भी करो वरना हम जानते हैं कि जब इतनी ऊंचाई के स्तर पर जब व्यक्ति पहुँच जाते हैं तो कभी वो स्टूडेंट का कॉल अटेंड करना तो दोनों उनके मतलब दूसरे ही लोग बात करते हैं बात करने का तो मौका तक नहीं मिलता हम जहां भी देखते हैं जैसे मैं किसी से कंपेयर करना नहीं चाहती क्योंकि ये इनके रूल्स के खिलाफ है और ये मुझे भी पसंद नहीं है इनके और मैं मतलब मेरा भी यही मानना है जो इनका मानना है इस, इसके बारे में कि हमें किसी दूसरे से कंपेयर कभी करना नहीं चाहिए अगर हमें लग रहा है तो उसे मन में ही रखो यानी जरूरी नहीं है ये बात कि भाई हम उनके सामने बोले और ये गलत भी है इस इनका इन्होंने जो मैम ने जो बात बताई अभी कि किसी के बारे में कहकर या कि भाई उनसे अच्छा पढ़ाती हैं या वो बुरा पढ़ाते हैं ये चीज़ मैं भी मानती हूँ कि मुझे भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ अगर हमें कुछ बताना ही है इनके बारे में तो वो बताओ जो इनकी अच्छाइयाँ हैं मतलब जो इनकी कनेक्टिविटी है पढ़ाने का तरीका है उसके बारे में बोलो किसी दूसरे से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है तो उस तरह से मैंने जो सारी चीज़ें देखी है इनके पढ़... मतलब पढ़ने के लिए यानी हम किस लिए आते हैं कोचिंगों में पढ़ने के लिए तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जिस चीज के लिए हम आए उसके लिए ये कभी मना ही नहीं करती बाकी चीजों से मतलब ही नहीं है हमें हम जिस चीज़ के लिए आए उन्होंने और इससे सबसे परफेक्ट चीज मैंने ये देखी है कि कहीं भी हम बैचों में चले जाए मैं किसी एक बैच का नाम नहीं ले रही कहीं भी आप फीस दोगे तो एक बैच पूरा करने के बाद कभी भी एंट्री नहीं होगी उसमें दोबारा जबकि इनका कहना यह है कि जब तक तुम्हारा पेपर होता है तब तक तुम पढ़ सकते हो इससे बच्चे अच्छी बात और हमारे लिए क्या हो सकती है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम जिस चीज को प्राप्त करने के लिए आए तो हम भी मतलब मैं भी यही चाहती हूँ कि इनकी तरह संघर्ष करके सभी बच्चे आगे बढ़े मैं भी मतलब मैं भी यही चाहती हूँ कुछ करना चाहूँ तो मतलब ये मेरे प्रेरणा के रूप में बने और इनको देख के मतलब मन में एक अलग ही प्रेरणा जागती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी पढ़ के और मेहनत करके मतलब इनकी तरह ही मतलब अपने आगे अगर भविष्य में ये तो देखो आगे मेहनत और अपने लक के ऊपर है कोशिश में यही करना चाहती हूँ मेहनत करके कि मैं भी जो ये अपने स्टूडेंटों को देती हैं, वही मैं आगे जाके अगर कभी मुझे, मुझे मौका मिले तो मैं भी यही काम करने की कोशिश करूँ बस इससे बड़ा और थैंक यू बस इतना ही मैम एवं मेरे समस्त साथियों मैं आज इस विदाई समारोह को उपलक्ष्य में दो शब्द कहना चाहता हूँ इसमें कोई कोई गलती हो तो मुझे माफ करना आपका साथ धूप में छाप है आपका साथ समंदर में नाव है आपका साथ अंधकार में प्रकाश है कर रहे हैं आज हमें बेदा पर दिल में आपका ही नाम है मिट्टी से सोना बना दिया बैग में नहीं था वो भी दिला दिया बेदा तो हो रहे हैं आज हम हमारी कोचिंग से पर जाते जाते भी आपने खुशी के आंसुओं से रुला दिया हर कदम हर पल हम साथ हैं दूर हर कदम पर हर कदम हर पल साथ हैं दूर होकर भी हम आपके पास हैं आपको हो न हो पर हमें आपकी कसम आपकी कमी का हर पल एहसास है यादों के प्रेम में आपकी तस्वीर सजाई जाएगी हम कोचिंग से जा रहे हैं पर याद हमें की हमें बहुत आएगी जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान जो करता है वीरों का निर्माण जो बनाता है इंसान को इंसान ऐसे गुरु को हम करते हैं प्रणाम गुरु बिना ज्ञान कहाँ उसके ज्ञान का आदि ने अंत यहाँ गुरु ने दी शिक्षा जहाँ उठी शिष्टाचार की मूरत बहाँ गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया उनकी ऐसी कृपा हुई गुरु ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया रोशनी बनकर आए जो हमारी ज़िंदगी में ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ ज़मीन से आसमान तक पहुँचाने का रखते हैं जो हुनर ऐसे टीचर को मैं दिल से सलाम करता हूँ मैम की तरफ से दो शब्द बोलना चाहता हूँ आंखों में आंसू हैं फिर भी बेदा करते हैं आगे बड़े बड़ो र... आंखों में आंसू हैं फिर भी बेदा करते हैं आगे बढ़ो हर पल ऐसी दुआ करते हैं आंखों में आंसू हैं फिर भी विदा करते हैं हमने साथ गुजारे दिन कैसे रहेंगे तुम्हारे बिन सोच के मन घबराता है दिल को करार ना आता है कैसे सहेंगे हम ये जुदाई सोच करते हैं आंखों में आंसू हैं फिर भी विदा करते हैं जब भी हम मुश्किल में पड़े तुम थे हरदम साथ खड़े हुई जो कथा अगर हमसे दिल से तुमने माफ है की जग में अपना नाम करो, फिर याद ये करते हैं आंखों में आंसू हैं फिर भी विदा हम करते हैं बस शरीर से दूर हो रहे हैं हम पर दिलों में हमारे नजदीकियाँ हमेशा बरकरार रहेगी मेहनत करने वाले की मेहनत करने वाले की तकदीर बदल जाती है शीशा तो वही रहता है मगर तस्वीर बदल जाती है पूजनीय माँ शारदे एवं आदरणीय मैडम जी एवं मेरे प्यारे से जैसा कि आपको ज्ञात है आज हमारा जो बैच है यानी कि जो हमारा सिलेबस है सेकेंड ग्रेड का वो संपूर्ण हो चुका है इसके उपलक्ष्य में मैं आपसे कुछ दो शब्द कहना चाहूँगा जैसा कि मैम ने जितने प्यार से और शिद्दत से हमें पढ़ाया है उसका ये नहीं कि हमने पढ़ लिया बस हो गए और यहाँ से चले गए जैसा भी मैडम ने बड़ी शिद्दत से दिन रात एक करके हमें अपने बच्चे के समान विद्या दी है उसके ओ प्लस में मैडम को आपको बदले में कुछ देना होगा और वो है सिलेक्शन आप लोगों में से यानी कि जो मैडम का सीना है आपको गर्व से ऊंचा उठाना है जिस दिन आपका रिजल्ट आए हमारी जो एग्ज़ाम है वो लगभग सत्रह दिसंबर को फिक्स हुई है तो आपसे मेरा निवेदन है जैसे भी मैडम ने हमें अपना बच्चा समझ के पढ़ाया है दिन रात अपने लिए मेहनत की है और बड़े शिद्दत से पढ़ाया है कोई कमी नहीं छोड़ी चाहे वो कंटेंट हो चाहे कुछ भी हो उसी प्रकार हमें मैडम के लिए भी कुछ करके दिखाना है और ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी में हर इंसान के यानी समस्याओं को आना पार्ट ऑफ लाइफ है अगर ज़िंदगी में समस्या नहीं आएंगी तो आपको ज़िंदगी का क्या एहसास होगा यानी कि हर इंसान के हर मोड पे ऐसा कोई रास्ता नहीं है ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर परिस्थिति ना हो लेकिन सच्चा इंसान एक वो होता है जो हर परिस्थितियों को मतलब सामने उन परिस्थितियों का सामना करके कर हंस करके ज़िंदगी जीता हो यानी आपसे मेरा ये निवेदन है कि जैसा भी हो अपनी स्थिति में चाहे आप कैसे भी हो मैं नहीं मानता हर कोई हर बच्चा करोड़पति बाप की औलाद है मैं मानता हूँ कि एक हम सब लोग मध्यम वर्ग परिवार से बिलोंग करते हैं और जैसे भी हमारे माँ बाप दिन रात मेहनत करके जैसे भी अपन लोगों को पढ़ा रहे हैं आपने कभी सोचा होगा कि आप जब इन टेबलों पर ए के नीचे आप पंखों के नीचे बैठा है और आपने कभी ये नहीं सोचा आप नहीं बैठे तुम्हारे माँ बाप के सपने बैठे हैं इन सपनों को पूरा करना होगा और इस इन सपनों से आप इन्हीं कम से कम मैं मानता हूँ मेरा जितना एक्सपीरियंस है कि हम लोग ही नहीं कम से कम अपनी माता पिता या आने वाली पीढ़ी कम से कम तीन पीढ़ी सुख होंगी सुखी जी जीवन जिंगी इसलिए आपसे निवेदन है आप, आप यहाँ से जाने के बाद अपनी स्टडी है बरकरार रखें और अच्छे से मेहनत करें और जो भी एक माता के समान जो मेरी मैडम जी हैं, इन्होंने एक बेटा समझ के हमें पढ़ाया है उसके बदले में एक ही सिलेक्शन देना है बस धन्यवाद थैंक यू देखिए आप लोगों की अंतरात्मा को जागृत करने के लिए विष्णु ने एक बहुत बड़ी बात कही है और ये सोचने वाली बात है यहाँ आप नहीं बैठे हैं आपके माँ बाप के सपने बैठे हैं सच में कई बार हम कक्षा में ये बात कर चुके हैं कि हम जब यहाँ आए हैं तब से वो हमारी राह देखे हैं और सच कहा है इसने हम नौकरी लगेंगे तो एक नहीं तीन पीढ़िया से रहेंगी हमें कुछ करना होगा मेहनत से हमें सब कुछ करना होगा और कोई व्यक्ति मेहनत करता है उसका परिणाम जरूर मिलता है मेरे सभी साथियों को प्रणाम गुरु जी पहली बार तो मैं कभी स्टेज पे ही नहीं आया हूँ आज पहली बार आया हूँ मैडम ने मौका दिया है मेरे सभी साथी मैडम के लिए एक बार नमस्त प्रणाम करता हूँ कि मैं कभी आया ही नहीं स्टेज पे मैडम ने मौका दिया इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा मेहनत करते रहिएगा अगर मेहनत करेंगे तो हमें फल निश्चित समय पे मिलेगी थैंक यू आदरणीय मैम प्रिय साथीगण जैसा कि आज आ, हमें पता है कि सेकेंड ग्रेड का फर्स्ट बैच विदाई के यहाँ के उपलक्ष्य में जो ये ये रखा गया है आ, तो मैं कुछ लाइनें बोलना चाहता हूँ ना ना संघर्ष ना तूफ़ान तो क्या खाक मजा है जीने में ना संघर्ष ना तूफ़ान तो क्या खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में थैंक यू मैं इतना ही बोलना चाहूँगा को मेरा प्रणाम और सभी साथी जनों को भी मेरा नमस्कार यही है कि मैम की क्लास लेने के बाद में हमें उम्मीद जागी है कि हम कुछ कर सकते हैं वैसे है ना जैसे कुछ बन जाऊंगी इसके बाद में एक बार और आऊंगी मैम के पास में ऐसे आप लोगों को बताने के लिए यह है कि शुरू से मैं ना ऐसी परिस्थितियों से गुजरी हूँ कि मेरा कोई मतलब नहीं था कि मैं ऐसे सोचूं कि मैं कुछ बन सकती हूँ लेकिन मैडम की जो मोटिवेट करती हैं उससे लगता है कि हम कुछ बन सकते हैं यह यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप सब भी मतलब अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहें मैडम जो भी कुछ बोलती हैं उसको माने और आगे बढ़ें थैंक यू नहीं बिल्कुल इसकी बात पे एक बात पे गौर करना कि कभी भी अपने आप को डिमोलाइज नहीं माना कि मैं इस लायक नहीं हूँ क्योंकि हर कोयले की खदान में एक हीरा जरूर होता है ये बात हमेशा ध्यान रखना मैम को नमस्ते और सभी मेरे साथी भाई बहन है उनको सबको नमस्ते मैं पहले नहीं आई कभी स्टेज पे बस मुझे मैम का आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं नहीं। 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 बता कि आई भी उसके तरह ही पूछा था मैम से मैं एक बार पढ़ के जाऊंगी और फीस के लिए भी बोला था मैंने मैम को मैम ने बोला फीस किसी की कम नहीं होगी सबकी बराबर होगी तो यहाँ पे किसी भी तरीके का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया मैम ने सारे बच्चे मैम के लिए सब सामान है और कभी कभी मैं क्लास में छुट्टी कर देती तो डांट भी पड़ जाती <laughs> और सब मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया बस थैंक यू आदरणीय मैम व मेरे साथ ही गण एक, एक तो पहली बात मैं पहली बार स्टेज पे आई तो थोड़ा <laughs> बात नहीं है। तो अच्छी बात है तो देख मैं ये तो नहीं कहूँगी कि भाई ये जगह सबसे अच्छी है मैंने यहीं पढ़ा बट सभी जगह अच्छी होती जो हमारे ट्वेल्थ में टीचर थे वो बहुत अच्छा पढ़ाते संस्कृत बट हम कभी ध्यान नहीं देते क्योंकि जब भी वो मंत्र बोलते तो जैसे पंडित नहीं बोलते ऐसे बोलते तो हमें हंसी आती बस ऑनली कि ऐसे क्यों बोल रहा बहुत हंसते सर के ऊपर बहुत अच्छा पढ़ाते रियल में बोलते हम क्लास में टॉपर थे बट ऐसे नहीं थे भाई जैसे मैम पढ़ा रही है उस तरीके से नहीं थे मैम अब यहाँ आने के बाद पता चला कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है रियल में कुछ नहीं आता है वहां पर बस रट लेते सर को सुना देते लिख कर बता देते सर बोलते हाँ वो से यार सर समझ बहुत बोलते तो सर सर आप ऐसे क्यों बोलते है? हमारे टेंथ में सर पढ़ाते थे वो तो ऐसे ही पढ़ाते आप मंत्र को ऐसे क्यों बोलते हो तो तब बोलता बेटा मैं पंडित मतलब वो भी हूँ फेरे भी कराता हूँ जब तो अच्छी बात है तो जैसे मैम यहाँ पढ़ाती तो पता चला कि हाँ रियल में मंत्र को ऐसे ही बोलते हैं जैसे मैम हाँ क्या कहना <laughs> <laughs> मैं कहना नहीं चाह रही सर बोल बोलते हम रियल में बहुत ज्यादा हँसते थे बहुत ज्यादा सर के ऊपर याद कर रही है ना हाँ। जो पढ़ाते हैं जो याद होती है ये ये याद ही तो आज आपको तो बातें नॉर्मल लग रही है सभी टीचर सभी अच्छे होते हैं बस अनुभव होते हैं उनका पढ़ाने का तरीका अलग होता है हमारे ट्वेल्थ के टीचर रियल में ही बहुत अच्छे थे बहुत ज्यादा और मैम भी बहुत ही ज्यादा अच्छे पढ़ाती है सभी को नमस्कार यू ही नहीं मिलती राई को मंजिल जुनून सा जगाना पड़ता है किसी ने पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आसियाना बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है अपने दिल में यह तय कर लीजिए जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है उन्हें पूरे किए बिना इस दुनिया से नहीं जाना है ये मैं अपने जो मेरे बैच के जा रहे हैं उनके लिए दो लाइन बोलना चाहती हूँ जुबा पर अक्सर तुम्हारा नाम आएगा तुम्हारे साथ बीता हुआ हर पल याद आएगा सफलता का नया सफर होगा कौन जाने कल किधर होगा अपने इरादों में जान भरते रहना इम्तिहान भरा तुम्हारा हर कदम होगा इम्तिहान भरा तुम्हारा हर कदम होगा अब मैं किरण मैम के लिए बोलना चाहती हूँ हमको रखा छाव में खुद तपते रहे धूप में हमको रखा छाओ में खुद तपते रहे धूप में एक फरिश्ता देखा है मैंने अपने गुरु के रूप में एक फरिश्ता देखा है मैंने अपने गुरु के रूप में राय कितनी भी हो मुश्किल अगर सात किरण मैम का राह तो हर कठिन राह भी आसान हो जाएगी अपने हौसलों से नारी भर रही है ऊंची उड़ान न कोई शिकायत कोई थकान जैसे हमारी किरण मैम कभी डांट कर चुप कराती है तो कभी गिरते हुए को गले लगाती है कभी माता पिता बन के सलाह देती है तो कभी दोस्त बनकर हौसला बढ़ा देती है थैंक यू मैम नमस्ते मैम और मेरे प्रिय भाई और बहनों बस क्या बोलूं मैम मैं तो ये है कि मुझे एम का पढ़ाना बहुत अच्छा लगा अभी मैंने ये जो, जो सेकंड जो वो बैच स्टार्ट हुआ है अभी मैंने जॉइन किया है अप्रैल में और मैम अच्छा पढ़ाती हैं बस मैंने इसी वजह से वो आध घंटे का टाइम लगता है मेरे को आने में पैदल आती हूँ बट मैंने सोचा कि मुझे सो, किरण मैम से ही पढ़ना है और किसी से नहीं पढ़ना है थैंक यू पहले तो मेरी आदरणीय मैम को मेरा नमस्कार और मेरे समर्थ साथियों आप सब अब मैं आपको क्या बताऊँ सिलेबस तो आप हम सब ने साथ ही किया है तो सबको पता है कि मैम कैसे पढ़ाती है कैसे कंटेंट देती है कोई डाउट नहीं एक तो हम मैम खुद बोलती है कि तुम पता नहीं आपकी प्रॉब्लम है या तुम बताते नहीं हो या फिर तुम्हें ज़्यादा आता है क्यों हमें हमें कोई डाउट ही नहीं रहता था कि मैम ऐसा पढ़ाती है उसके बाद कोई डाउट ही पैदा नहीं होता था कि कंटेंट को दोबारा देखें कि किसी और चीज़ से मैच करें ले लेकिन मैम ने बहुत अच्छा करा है मैं तो पहली बार मैम से एक कॉन्सेप्ट में मिली थी और वहाँ पे मैं रीट की तैयारी कर रही थी उस टाइम तब मैंने देखा कि वैसे तो मैंने आचार्य शिक्षा शास्त्री कर रखी थी लेकिन कभी बाहर निकल के तैयारी नहीं की क्यों मैं मेरी पारिवारिक स्थित पापा थोड़ा घबराते थे बच्ची को बाहर भेजने से फिर मैम ने जैसे बोला कि कोई लाइफ पार्टनर अच्छा मिल जाता है तो सब कुछ अच्छा हो जाता है फिर मेरी शादी होने के बाद मेरी फैमिली ऐसी मिली अगले की वो मेरे माँ बाप की कमी को पूरी कर दी माँ बाप की जगह माँ बाप मिल गई और हस्बैंड ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका और वो हमेशा कभी कोई डाउट भी नहीं कभी जाओ बाहर फिर मैं सोचती कि ऐसे तो मेरे पापा ने कभी मेरे को आज़ादी नहीं दी जो इन्होंने दी है लेकिन अब मैंने खुद ने मना कर दिया था कि मेरी फैमिली में ऐसे मतलब कोई माता जी चले गई थी तो घर पे मम्मी अकेली नहीं रह पाती लेकिन मम्मी ने खुद कह के भेजा मेरे को कि नहीं तुझे तैयारी करनी तेरे मां बाप ने तेरे को किस लिए पढ़ा है फिर मैं अब मैम को देखती हूँ कि मैम शारीरिक और मानसिक दोनों मेहनत ऐसे करती हैं कि हम सब जानते हैं इनके बारे में तो फिर अब सोचती हूँ कि वो डिसीज़न शायद मेरा गलत होता कि मैं यहाँ तैयारी करने नहीं आती लेकिन अब एक ऐसा जुनून सजगता है कि मैं तैयारी करूँ और सिलेक्शन करवाऊँ लेकिन मैम ने एक दिन बोला भी था कि सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई वो बड़ी बात नहीं है मैम ने कोई सरकारी जॉब नहीं करती लेकिन फिर भी मैम इतना इतनी अच्छी प्रसिद्धि ख्याति प्राप्त की है तो हम भी यही सोचते हैं कि सिलेक्शन होगा तो अच्छा है लेकिन एक बेरोजगारी का दाग तो अपने पे नहीं लगने देंगे <laughs> तो मैम के लिए मैं दो शब्द कहना चाहती हूँ वैसे तो देखो मैंने कभी आगे स्टेज पे आके मैम कभी बोला नहीं है कण में। कण में बसते हो आप जनमन में विराजते हो आप जीवन में अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान की रोशनी से मिटाते हो आप बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे तब नई राह दिखाते हो आप सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हो आप हे गुरु हमारे जीवन का आदर्श नई इस संपूर्ण संसार का आधार हो आप गुरु मैम को मेरा नमस्ते और मैम आपका आशीर्वाद ही चाहिए हमें तो बस आगे बढ़ने के लिए और आपकी जैसी शिक्षिका अगर हमें बचपन से मिलती तो आज हम पता नहीं कितने का आगे पहुंच जाते हैं <laughs> ठीक है मैम थैंक यू नमस्ते सभी को जैसा कि सबने बताया कि हमने मैम से पहली बार ही है तो मैं भी मैम से पहली बार ही पढ़ रही हूँ और मैं तो मैम के पास आना भी नहीं चाहती थी सच बताऊँ तो मैं दिल से उस लड़की को थैंक यू बोलती हूँ मेरी पार्टनर को जिसकी वजह से मैं यहाँ आई वरना मैं यहाँ नहीं आती तो मैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करती मैम जिस तरीके से पढ़ाती है जिस सिंपल तरीके से मतलब ऐसे कठिन से कठिन टॉपिक को भी इतना सिंपल समझाती है कि संस्कृत में ऐसे इंटरेस्ट होता है कि हम संस्कृत को पढ़ते ही जाए पहले मैं संस्कृत की कॉपी उठाती थी ऐसे रख देती थी वापस फिर उठाती फिर रख देती थी मैं सोचती थी यार मैं संस्कृत क्यों ली पर अब मुझे प्राउड फील होता है कि मैंने संस्कृत ली और मैंने मैम को चुना थैंक यू मेरी आदरणीय मैम और मेरे समस्त साथीगण मैं सभी को प्रणाम करती हूँ और जैसा कि आप आज आज हमारा अंतिम दिन है हमारे बैच का और मैम ने हर टॉपिक को अच्छे से यानी सरल तरीके से पढ़ाया है और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हर टॉपिक के बाद हमारा टेस्ट लिया है उससे हमें हमारी कमी यानी जो हमारी कमी थी वो हमें रियलाइज हो गई और हमें उन्हें सुधारा बस मैं मैम के बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैम ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया है और बहुत अच्छा कंटेंट दिया है कि दूसरी जगह से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है सबसे पहले तो मैं मैम को प्रणाम करती हूँ और मेरे सभी साथियों से आपको प्रणाम मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया और हमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया और सबसे ज़्यादा थी कि पढ़ाने से ज़्यादा थी इनकी डांट खाने में मज़ा आया क्योंकि जब इनकी डांट खाई ना तब रूम पे जाके इतने पढ़े कि दूसरे दिन अच्छे से नंबर आए सही है तो बढ़िया है आशीर्वाद बना रहे और तो गुरु से बड़ा तो कोई संसार में है ही नहीं इसलिए करता करे ना कर सके गुरु करे सो हो सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई सबसे पहले तो माँ शारदे को नमन और माँ सार देखो नमन और मैम को प्रणाम और सभी यहाँ पे बैठे ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले मेरे साथीगणों को सभी को मेरा प्रणाम वैसे तो मैम के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है और ये बात आप सबको भी पता है कि सब कहीं प्राचीन काल से ही ईश्वर से भी ज़्यादा ऊंचा स्थान गुरु का ही बताया गया है क्योंकि गुरु के बिना जीवन में हमें जीने की एक सार्थ सार्थकता और एक जीवन जीने का तरीका एक गुरु से ही प्राप्त होता है और मैंने अपने जीवन में मेरी एक टीचर थी संस्कृत की वो भी मैम ही थी उन्होंने मुझे सिक्स क्लास से और इलेवेंथ क्लास तक संस्कृत बहुत अच्छी पढ़ाई लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी मतलब वो बाद में हमें पढ़ाने नहीं आई उसके बाद मैं उनसे कभी मिली भी नहीं पर आज तक भी वो मुझे मैम की तरह याद है एक मार्गदर्शक के रूप में क्योंकि जब वो पूरा चैप्टर पढ़ा देती थी उसके बाद मैं क्लास में टॉपर नहीं थी मीडियम बच्चों की तरह थी पर जो हमारी क्लास की टॉपर लड़कियां थी वो उनको खड़ा नहीं करती थी मुझे करती थी संस्कृत पढ़ने के लिए क्योंकि वो एक, -एक स्पीड में जैसे कल मैम ने बोला ना, हमारे एक उमेश भैया ने बोला था वो स्पीड में पढ़ती थी और मैं एक एक शब्द को धीरे धीरे शुद्ध तरीके से पढ़ती थी तो वो बोलती थी इंदु आप खड़े हो और आप एक बार इसको रीजन करो तो वो मैम आज मुझे पता नहीं क्यों आज मुझे सपने में भी आई मेरे तो इस वजह से सच में मैम आज सपने में आई थी वो मैम और एक मार्गदर्शन के रूप में ही शायद कुछ बोल रही हूँ और उसके बाद मुझे मिली किरण मैम उससे तो आप सब जानते ही हो कि मैम ने हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कंटेंट दिया है हमें कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है अदर सब्जेक्टों में पढ़ने मेहनत करने की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट में तो मैम ने सब कुछ हमें करा दिया और हमें पता चल चल गया कि हमें संस्कृत पढ़नी कैसे है किस तरीके से पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है बाकी सिलेबस कोचिंगों में और सब्जेक्ट देखा जाए तो बच्चे खुद खरीदते हैं मैम ने तो सबसे पहले सिलेबस दिया है और उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक पढ़ाया है तो सबसे अच्छी इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है और मैं मैम के लिए थोड़ा सा कुछ बोलना चाहती हूँ अगर मेरे शब्दों में कुछ कमी हो तो मुझे माफ़ करना <coughs> खिलता हुआ गुलाब हो आप खिलता हुआ गुलाब हो आप हमारे अंधार्य जीवन में ज्ञान के दीपक हो आप हम सब बच्चे हैं नादान पढ़ने में नहीं था ध्यान हमारी भूलों को माफ करके दे दिया विद्या का दान अपनी अनमोल शिक्षा को हमें सिखाया संस्कारों का पाठ हमें पढ़ाया सही गलत का ज्ञान हमें कराया हमारे नए आचमन में आत्मविश्वास जगा दिया मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हमें दिखा दिया हमारे आंगन को छोड़कर जा रहे हो आप जीवन में सदा खुश रहो यही है हमारी प्रभु से आस हम जानते हैं कि कौन गुरुवर हम जैसे बच्चों को पढ़ाता है ये खूबी तो सिर्फ आप में ही थी हमारे ख्याल हैं कि आप जैसी प्रतिभा का धनी शायद ही शायद ही कोई हो याद आएगा हमें आपका वो पढ़ाना सिखाना हसाना और धमकाना याद आएगा आज हमें वो आपका मंद मंद मुस्काना देखो गुरु और सागर दोनों ही बहुत गहरे होते हैं पर दोनों में एक फर्क होता है सागर की गहराई में तो इंसान डूब जाता है और गुरु की गहराई में इंसान तैर जाता है तो हमें मैम से मतलब इतना मार्गदर्शन मिला है कि हमें जीवन जीने का तरीका पता चल गया और हम आगे किस तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कामयाब हो यह आप सबको मैम ने अच्छी तरीके से मार्गदर्शन किया है बस अब इसका हम किस रूप में प्रतिपुष्टि देते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ और मैम का आशीर्वाद आदरणीय मैम और मेरे सभी साथीगण आप सभी को मेरा नमस्ते मेरा नाम एकता अग्रवाल वैसे तो मुझे मेरे नाम का इंट्रोडक्शन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस बात में मुझे मैम की एक बात याद आती है कि एक नाम के इस दुनिया में हजार होते हैं पर नाम उसी का होता है जिसका काम होता है और आप सब मेरे साथ में पढ़े हुए हो तो आप सबको पता है कि मैम ने हमें कैसा कंटेंट दिया है किस तरीके से पढ़ाया है जहाँ जरूरत पड़ी है वहाँ डांटा भी है जहाँ हमें डर लगा वहाँ संभाला भी है तो मैं हम सिर्फ मैं इतना चाहती हूँ कि आज के बाद मैं उस दिन इस इस स्टेज पे आऊँ जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाए और उस प्रतिपुष्टि के लिए मैं मेहनत भी करूँगी और हो सका सबका मैम का, का आशीर्वाद रहा मेरे घर वालों का आशीर्वाद और जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं अगर उन सबका आशीर्वाद रहा तो शायद मैं उस ऊँचाई पर भी जा पाऊँगी और मैं आज के दिन एक टीचर है मेरे उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से मैं आज इस जगह पे आई हूँ तो उनके बारे में मैं मैं उस जगह थी जहाँ नाइन्थ में मैंने हम सब ले जानते हैं संस्कृत की शुरुआत होती है हमारी नाइन्थ में सिक्स हो जाती है बाकी नाइन्थ में हम अच्छे से करते हैं तो नाइन्थ में मेरी ये कंडीशन थी कि जहाँ समाज पढ़ते हैं वहाँ मैं प्लस का निशान लगाती थी तो जहाँ हम संधि करते हैं वहाँ मैं समाज में करती थी तो उन सर ने मुझे कभी डांटा नहीं कि नहीं तुमने ऐसा क्यों गलत किया बल्कि वो मुझे समझाते कि हाँ ठीक है जो किया पर इसको सुधार सकते हैं तो उस टाइम में कंडीशन ये थी लेकिन टेंथ में मैं उस जगह ऐसी थी कि मुझसे कोई कुछ भी पूछे तो मैं उसका जवाब दे पाती थी तो मुझे एहसास हुआ मैं आज भी वो सर मुझे बहुत याद आते हैं और आज मेरे छोटे भाई को पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि कि तुम्हारी बहन वगैरह ने तो इतना अच्छा किया क्योंकि मेरा छोटा भाई संस्कृति में थोड़ा कम ही है तो वो बोलते हैं कि अपनी बहन से कुछ करो तो मैं चाहती हूँ कि जैसे वो उदाहरण देते हैं वैसे कोई जाके आगे मेरा उदाहरण फिर से दे और आप सब जानते हैं कि उसके बाद मुझे मेरी लाइफ में वैसा टीचर नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था उसके बाद मैंने यहाँ पे कोचिंग की और सच में आज मैं घर भी जाती हूँ या फिर किसी दोस्त से मिलती हूँ या फिर कुछ भी कहीं भी जाती हूँ तो मैं सबसे पहले ये बोलती हूँ कि मैंने जो सब्जेक्ट लिया है सच में मैंने बहुत अच्छा काम किया जो मैंने ये सब्जेक्ट लिया मुझे किरण मैम से पढ़ने का मौका मिला है और आप सबको भी पता है आप सब भी पढ़ते हो कि किरण मैम किस तरीके से पढ़ाती है क्या कंटेंट देती है और सारे टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह तो मैं चाहती हूँ आप सब भी हम सबसे से जुड़े यहाँ पे आके हो सकता है आप ऑफलाइन नहीं कर किसी किसी की कोई किसी की कोई कंडीशन हो हो क्या तो जैसे भी हो, आप एक बार जुड़ के जरूर देखें आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो क्योंकि एक मिडिल क्लास का बच्चा इतना अफोर्ड नहीं कर पाता जितना हम सोचते हैं कि इतनी हाईफाई क्लास में जाए जहाँ पे सब कुछ मिल जाए लेकिन यहाँ पे आपको एक जो बोलते हैं मिडिल क्लास के लिए सबसे अच्छी अगर कोचिंग मैं कहूँ तो जयपुर के अंदर संस्कृत समृद्धि कोचिंग है और मैं अपने आप को खुशने से ही मानती हूँ कि इस कोचिंग में मैंने मेरा सिलेक्शन कर पाऊंगी और आप सब जानते ही हो कि किरण मैम से बढ़कर शायद मेरे लिए कोई टीचर होगा आगे बाकी यही कि मैम काशवा हम सब पे बना रहे थैंक यू सो मच आदरणीय मैम जी मेरे प्यारों बहनों भाइयों आपको मेरा नमस्कार जैसे कि आप सब जानते हो कि सबने मैम का परिचय आप सबको करा दिया आपको मैम के परिचय से अवगत कराने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जब जयपुर में आई उससे पहले मैं ऑनलाइन एक दो बार मैम की वीडियो देखती थी यूट्यूब पे। मैंने कभी यहाँ के ये नहीं पूछा कि मुझे किस कोचिंग में संस्कृत की कोचिंग को कर, कोचिंग करनी चाहिए मेरा खुद का मन था कि मैं किरण मैम से ही कोचिंग करूँ मैंने आज तक भी किसी से ये नहीं पूछा कि किस टीचर से मुझे संस्कृत की कोचिंग करनी चाहिए मुझे किरण मैम से यूट्यूब से ही लगाव हो गया था इनका पढ़ाने का तरीका इनका व्यवहार इनकी मोटिवेट जो स्पीच देती थी वो उन सब से मैं बहुत प्रभावित थी मैं जब भी अपने घर पे मैम की वीडियो दिखाती हूँ तो मेरी मम्मी सास वो बोल रही थी बहुत अच्छी टीचर से पढ़ रही है तुम्हें भी ऐसा ही बनना है मैंने कि देखते हैं मम्मी क्या होता है वो तो उन्होंने पूरी वीडियो देखी मैम की एक मैम की महिला दिवस पे एक वीडियो थी जिसमें मैम अपने स्ट्रगल के बारे में बता रही थी तो आप सब परिचित है और क्या यू आदरणीय मेरी मैम और सब मेरे मित्र भाई बहन जो अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरे को छोटी बहन या बड़ी बहन समझ कर माफ करना मैं कुछ दो शब्द कहना चाहती हूँ आज भी नम हो जाती है ये आंखें जब बात विद्यालय की आती है आज भी निराश होती हूँ तो आपकी कई हुई हर बात याद आती है क्योंकि विद्या धन से अमूल्य कुछ भी नहीं और गुरु जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं थैंक यू सो मच मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ हृदय देखो नमन और आदरणीय मैम और फिर सहपाठियों को सभी को मेरा प्रिय नमन शुरुआत में मुझे भी नहीं पता था कि संस्कृत समृद्धि कोचिंग कहाँ पे है मैंने कॉन्सेप्ट कोचिंग में मैम की फ़ोटो देख के एडमिशन लिया लेकिन वहाँ पता चला कि मैम यहाँ पढ़ाती नहीं है तो फिर मैंने उसी दिन मैं वहाँ से आई और यहाँ गलियों में ढूंढती रही शुरुआत में मैंने मैम से कॉल करके भी पूछा था कि मैम आप किरण मैम बोल रही हो क्यों तो मैम ने बोला कि हाँ मैं वही बोल रही हूँ और मैंने बताया कि मुझे आपसे पढ़ना है तो मैम बोली कि कल आप आ जाओ और आप देख लो पढ़ के फिर मैं अगले दिन यहाँ पे आई और मैम ने जो भी हमें पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छा पढ़ाया है शुरुआत में भी हम बहुत मतलब अच्छा पढ़ते आए हैं जिस भी टीचर ने हमें पढ़ाया है बहुत ही अच्छा पढ़ाया है इन मैम की तरह ही और मैं मैम के लिए एक कविता सुनाना चाहूँगी सही क्या है गलत क्या है ये सब बताते हैं आप झूठ क्या है और सच क्या है ये सब समझाते हैं आप जब सूझता नहीं कुछ भी राहों को सरल बनाते हैं आप जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप बंद हो जाते हैं जब सारे दरवाजे नया रास्ता दिखाते हैं सिर्फ़ किताबी ज्ञान ही नहीं जीवन जीना सिखाते हैं आप आदरणीय में मेरे प्यारे भाई बहनों मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना मैम ने जैसे पढ़ाया है ना मैंने उस कभी नहीं पढ़ा पहले और और मुझे संस्कृत का पता अभी चला है भाई संस्कृत होती क्या है मैं मे, मेरे को पहले ऐसा शिक्षा कभी नहीं मिला पहले जैसे कि मैं आज मैम से पढ़ा और मेरे को विश्वास हो गया कि मतलब पढ़ने का तरीका क्या होता है like मैम को प्रणाम और सभी मेरे भाई बहनों को सभी को मेरा प्रणाम मैं भी सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैम की डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैंने मैम की क्लासे यूट्यूब पे देखी थी तो अब किसी का सपना तो जॉब लग के पूरा होगा पर मेरा तो मुझे लग रहा है कि मैम से पढ़ के ही पूरा हो गया और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब हम सब भाग्यशाली हैं जो सेलेक्टेड जगह पे पढ़ रही हैं और सभी जगह पढ़ते हैं हम सभी जगह देखा है हमने कि मतलब कैसी क्या चीज़ें मिलती हैं क्या मिलता है सबको पता है अपने को पर अब हम हम सब सब लोगों की शुरुआत अच्छी जगह से हुई है तो मेरे को ये लगता है कि सब लोगों के साथ अच्छा होगा और सब सिलेक्शन सभी का होगा ये बड़ी बात नहीं है कि कोचिंग बड़ी है भीड़ बड़ी है बात ये बड़ी होती है कि सेलेक्टेड और सेलेक्शन कितने लोगों का होता है तो हम अगर सो बच्चे हैं तो सो का सिलेक्शन होता है तो हमसे मतलब अच्छा कितनी बड़ी भीड़ हो पीछे रह जाएगी हम सबसे तो मैं सबसे ये मतलब भगवान से ही प्रार्थना करूँगी हम सब भाई और बहनों का सभी का सिलेक्शन हो और सब आगे कामयाब बढ़े और मैम को प्रणाम सबसे पहले मैं मैम को प्रणाम और मेरे साथीगण को सभी को नमस्कार में है ना यहाँ आने की मतलब इतना मेरा वो था नहीं बट खुद के ज़िम्मेदार की खुद के ज़िम्मेदार से ही मैं यहाँ पे आई हूँ और इतना कहना चाहती हूँ कि मैम से बात करके मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ बन सकती हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हुई हूं। क्योंकि मेरे घर में ऐसा माहौल नहीं था कि मैं मतलब वहाँ पे मतलब रह के मैं पढ़ाई कर सकती हूँ बट मैम से बात करके मुझे ऐसा लगा मैम ने यूँ बोला तू सब कुछ कर सकती है मैं कर सकती हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकती है यूँ करके मुझे मोटिवेट किया फिर अंदर से फीलिंग आई कि हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ और अभी मेरी मेरी पढ़ाई मतलब रेगुलर मेरी चल रही है और जितना मैम कंटेंट दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं और मेरे जीवन में कभी भी मैंने इतने अच्छे बेस्ट टीचर से कभी भी नहीं पढ़ी हूँ और मैं छोटे से मतलब गांव में पढ़ी हूँ गांव में कैसे पढ़ाते हैं टीचर वो तो मुझे ही पता है सब मतलब ऐसे ही बैठे रहते हैं और लिखवाते ही लिखवाते हैं कभी भी ऐसे मतलब कंटेंट कभी भी मैंने कभी भी समझ के मैं नहीं पढ़ी हूँ मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और ऐसा लगा है मैं पहले मैम रीड की मतलब मैंने यूट्यूब पर मैम की क्लास लेती रहती थी इसलिए मैंने फ़ोटो देखा और फिर मैंने सोच लिया कि मैं इसी मैम के पास पढ़ूँगी और सेकेंड ग्रेड का मेरा सिलेक्ट बस मैं इसी मैम के पास करूँगी और सेकेंड ग्रेड में मैं इतना मतलब दावा करती हूँ कि मैं सेकेंड ग्रेड में सिलेक्शन लेके ही जाऊँगी यहाँ से और मैम के लिए इतना और ट्वेल्थ तक ही मैंने रेगुलर किया बाकी सब रेगुलर नहीं किया मैंने ना बी एड भी, भी रेगुलर की और ना बी ए ऐसे ही मतलब चार साल से कोई मतलब ऐसे ही मैं पढ़ी भी नहीं थी बट यहाँ आके मतलब रीड की मतलब दो महीने तक थोड़ा मतलब पढ़ी थी ज़्यादा नहीं पढ़ी थी मैं क्योंकि मतलब क्या बताऊँ थैंक यू क्योंकि है ना मुझे मैम ने मोटिवेट किया वो ही मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी भी मुझे किसी टीचर ने मोटिवेट नहीं किया है कि ऐसे पढ़ो ऐसे हो सकता है ऐसे करो किसी भी टीचर ने मुझे नहीं बेला बोला है और ऐसे बेस्ट टीचर मेरी जिंदगी में कभी भी मैंने नहीं देखा पहली बार मैंने किरण मैम को देखा है और मैं ट्वेल्थ तक पढ़ी सब ऐसे ही मतलब ऐसे ही टीचर से पढ़ी हूँ कभी भी किसी टीचर ने मोटिवेट नहीं किया है मुझे और थैंक यू मैम के लिए इतना ही बोलना चाहते बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको इसके पंतु से थोड़ा सा परिचय करा देती हूँ पंतु खुद अपने पैरों पर खड़ा खुद कमा कर पड़ती हैं अपनी कमाई से और ये अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती हैं ये अपने अपने लिए नहीं अपने बेटे के सपने का पूरा करने के लिए इसके एक बेटा है ये बांसवाड़ा के रहने वाली है और ये कई बार समय कुछ परिस्थितियां हमें अलग दिखा देता है वो परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं पर मैंने इसको भी बोलती हूँ और इसके माध्यम से मैं सभी को भी बोलती हूँ परिस्थितियों से टूट गए तो हम इन परिस्थितियों की कठपुतली बन जाएंगे अगर इन परिस्थितियों को यदि हमने हरा दिया तो हम कुछ कर जाएंगे और मैं जरूर कह रही हूँ कि इस बच्ची को आप सब भी देख रहे होंगे कक्षा में कितनी एकाग्रता से ये पढ़ती है तैयारी करती है और हम सब इसके लिए दुआ करेंगे कि ये जरूर अपने सपने में सफल होगी बिल्कुल इस बात से मैं वाकिब हूँ कि ये बहुत ही परिस्थिति से यहाँ आई है किस तरीके से एक बच्ची विरोध मतलब एक परिस्थिति में होते हुए अपने अपनों का विरोध सहन करते हुए इस स्टेज पर आना और इस क्लास में बैठना जयपुर जैसे खर्चे को वहन करना पहले इसने कमाया है कि मुझे नौकरी लगना है जिस तरीके से इसने दो चार पैसे अपने इकट्ठे किए हैं उसके बाद में ये पढ़ने के लिए आई है और ये सच में हम सब देख रहे हैं इसके काबिलियत को ये जरूर अपने लक्ष्य में हासिल होगी और हम सब की प्रेरणा बनेगी हम सब याद करेंगे इसके जज्बे को और ऐसा जज्बा यदि निकल गया और ये निकल गई तो सच में मैं उस लड़की से कहना चाहती हूँ जो लड़की अपनी परिस्थितियों और अपने को कोस कर अपने भाग्य को को आप अंधेरे पिंजरों में बंद कर लेती है उसको उड़ान भरने की जरूरत है बिना उड़े बिना मंजिल नहीं मिलती है हमें हिम्मत करनी होगी हमें उन चट्टानों का सामना करना होगा हमें उन लोगों के विरोध को भी मात देनी होगी जो हमें हमें सही करने के लिए भी रोकते हैं यह बहुत अच्छा करेगी बहुत कुछ करेगी हम सब की दुआ इसके साथ रहेंगी जरूर ये सफल होगी ये अच्छा पढ़ेगी और अच्छा करेगी मैम के लिए नमस्ते और आप सभी के लिए मेरे जो बहन भाई हैं उन सभी के लिए नमस्ते मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे तो कभी आपको कमजोर नहीं बनना मेरे पास तो कुछ था भी नहीं मैम ने मुझे वैसे ही बिना फीस के ही पढ़ाया है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं पढ़ लिख कर मैम की तरह मैं भी दूसरों की हेल्प करूँ थैंक यू मैं आई स्टेज पे आज पहली बार ही आई हूँ पहले कभी भी नहीं आई और उन्हें संस्कृत पढ़ी थी ना मैं ट्वेल्थ तक वैसे मैंने सेल्फ स्टडी से पढ़ी कोई गुरु नहीं मिला था ऐसे मैम जैसे पढ़ाने वाला एक hmm. टीचर पढ़ था ट्वेल्थ में उसको थोड़ा बहुत पढ़ाता था वो उनका नाम हम तगड़ मगड़ निकालते थे वो तगड़ मगड़ पढ़ाते थे बस और कुछ नहीं पढ़ाते थे <laughs> मैम जैसे मैंने दो बाद में तो लॉकडाउन में लग गया था पर मैंने ना पढ़ाई भी छोड़ दी थी पर मैम बोल रही ना कि जब एक पार्टनर ढंग का मिल जाता तो सब लाइफ सुधर जाती है तो मेरे सही किस्मत सही थी तो सही मिल गया और अब मेरे को पढ़ा रहे हैं मैंने चार पाँच महीने हो गए जयपुर आए एक दिन भी घर नहीं गए अभी तक उनसे मरे चाहे कोई शादी हो कभी भी नहीं लेके जाते और ऐसे कंटिन्यूस की पढ़े और यहाँ जो कोचिंग में आते ना वो दीदी भी बोलती तू कभी छुट्टी नहीं करती क्यों नहीं करती छुट्टी मैं क्यों नहीं करती जो कुछ काम ही नहीं पड़ता वो ना मैं चाहती कि तू छुट्टी कर सब और मैम के बारे में आप सबको पता मैम के बारे में जितना बोलो उतना कम है कोई कुछ कितना भी बोलो फिर भी कोई ना कोई भी खूबी रह ही जाती है मैम के बारे में बोलने के मैम बहुत अच्छे हैं बहुत बहुत अच्छे पढ़ाते मेरे एक फ्रेंड थी तो उन्होंने बताया था मैम के बारे में कि मैम कि किरण मैम है उसके बाद संस्कृत पढ़े ना तो मैं अधिका में एडमिशन ले थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि यहीं से पढ़ ले क्यों देर देरवंद मैं कि नहीं मेरे को तो मैम से ही पढ़ना है बस मैम इतना ही पढ़ना था। आ. ना, ना। सही हाँ. आ, सौंदर्य की इस गुलाबी नगरी को नमन और जिस वटवृक्ष की छाव में हम आज बैठे हैं जिस परिसर में उस वटवृक्ष की रूप सौंदर्य की की मैम को नमन हम सबको पता है आज फर्स्ट बैच है शायद फ्री हो रहा है और यहाँ और पर पढ़ने वाले ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट्स को नमन हम तो भूल गई बोलना और हमारी कोचिंग में इस वह बहुत में था हम सभी के सुनहरे भविष्य को नमन लोगों को हमसे अपने आप से अपेक्षाएँ ज़्यादा होती है हमें नहीं होती इतनी अपेक्षाएँ लोग कर लेते कि वो कर लेगा वो कर लेगी वो चाय सामने वाला कुछ हो ही नहीं होता ही नहीं जब इंसान किसी पशु से इतनी अपेक्षाएँ कर सकता है तो हम तो इंसान है जैसे कि कहानियातें कुत्ते की मैं बताती हूँ जैसे कुत्ता होता है उसके मुँह में एक थैली है उसमें कुछ सामग्री है पैसे है वो जाता है दुकान पर दुकानदार उसे खोलता है और सामान भी देता है मालिक से रहा नहीं जाता कि इतना समझदार कुत्ता है तो इसका मालिक कैसा होगा मैं जाके तो देखू कुत्ते के पीछे पीछे गया गाड़ी में बैठा उतरा उसके मकान के सामने गया वहां देखा तो कुत्ते ने दो तीन बार जब दरवाजा बजाया तब तक मालिक सो चुका था बंद करके अंदर से जब उठा और बाहर आया तो कुत्ते को बहुत बुरी तरह से कूटा पीटा अब हम सब सोच रहे होंगे कि उसको क्यों पीटा उसने सामान भी लेके आया है वो सब कुछ किया है तो मालिक भी यही सोच रहा था कुत्ता पीटा क्यों तो मालिक ने पूछा कि आपने इसे पीटा क्यों बोले बदतमीज है चाबी नहीं ले जा सकता था मेरी तो नींद आराम कर दी इसने तो सोचो यार जब पशु से हम इतनी अपेक्षाएं कर सकते हैं तो हम तो एक इंसान है और इंसान से अपेक्षाएं पता नहीं कितनी की जाती चाहे हमें इतनी अपेक्षा हो ही ना और कई बार ऐसा कुछ हो भी जाता है कि हम नहीं उभर पाते उन अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतरते जैसे कि यहाँ पे आने के बाद में पता चला कि मे मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर सकती ये सब मैम को पता है मैम ने कहा कि बेटे आप मेरे स्टूडेंट हो और यहाँ पे आता है ना जो कुछ लेके ही जाएगा ज़रूरी नौकरी लगना एक मायने नहीं रखता बट उसमें सक्सेसफुल इंसान का इतना होना चाहिए कि वो कुछ कर सके या कि किसी की प्रेरणा बन सके वो ज़्यादा मायने रखता है कह okay, एक सुनी है मैंने शायरी है इमाजी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत है इससे पार और उस पार बहुत है जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है यानी कि जब इस उलझन में उलझ ही गए तो क्यों ना इसका पूरा मजा ही ले जैसे जलेबी है वो तो हम भी उसे जलेबी की तरह ही बन जाते क्यों ना उस चाशनी में डूब के पूरा मजा लिया जाए तो अच्छा रहेगा तो बस मैं इतना ही कह पाऊंगी इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी और सभी ने कह दिया मैम कैसी है हमारी यूनिक है मैम हमारी क्लास यूनिक है हम खुद यूनिक है सब कुछ यूनिक है थैंक यू तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ जैसे जो भी कुछ आपके साथ ही खासतौर पर ऑनलाइन की आवाज लेने भी लेने ले के लिए काफी जो अनुपस्थित हैं वो घर से बैठे देख रहे हैं लाइव और कमेंट कर रहे हैं मेरा भी मन कर रहे हैं निर्मा कह रही है मेरा भी मन कर रहा है कभी सारे सारे तो तुम तो तो भाई क्लास रूम में तो आए नहीं तो मन कर रहा है तो या तो वहीं से देख लो और जो उपस्थित हो रहे हैं वो आप सभी को पता है कि सब जो भी इस बैच के जैसे अभी उस बच्ची ने कहा कि हम सो विद्यार्थी हैं और ये सो के सो इस पहले बैच वाले जो विद्यार्थी हम सिलेक्शन लेके जाएंगे तो इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है और मैं ये नहीं कहूँ कि किसी तरीके से कैसे भी देखा जाए तो कुल मिलाकर मुझे तो पता ही नहीं है कि तुम लोगों में इतनी काबिलियत है तुम तो कुछ भी कर सकते हो सच में अपनी अंतःकरण की प्रेरणा यदि हमारी मन की आवाज यदि हमारा साथ देती है तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर जाते हैं कुछ इन लम्हों को लेकर इमोशनल हो रहे हैं तो कुछ को यूँ लग रहा है कि हमें हम अभी प्रेरणाएं जागृत हो रही हैं परंतु मैं आपको ये बता देती हूँ हम सब देखते हैं परिस्थितियाँ जीवन का हिस्सा है उनसे दूर निकलना ही एक सबसे बड़ी कला है अगर हम उन परिस्थितियों का रोना रोएंगे यदि हम उन परिस्थितियों को हावी रखेंगे तो ना तो वो हमें चलने देंगी और ना हमें जीने देंगी हमें कुछ करना होगा हमें कुछ बढ़ना होगा हमें तो चलना होगा और आप चलते जाइए चलते जाइए तब तक हमें नहीं रुकना है क्योंकि हम तो संस्कृत के विद्यार्थी हैं हम तो न जाने कितने चीजें जानते हैं चरैवती चरैवती या फिर हम भगवत गीता के श्लोक को तो खैर जानते ही हैं तो हम अभी ही ये बिल्कुल नहीं सोचना है एकदम अपने आप को झोंक दो कितने पद हैं कितनी पोस्ट हैं कितने फॉर्म हैं अभी मत देखो आप ये देखो एक सीट है मैं हूं और मैं उस सीट पर पहुंचने के लिए क्या कर सकता हूं खास तौर पे बहुत ही बड़ा एक भाग्यशाली हूं आप इस बार संस्कृत की कितनी अच्छी पोस्ट है सिलेक्टेड सिलेबस है अच्छा कंटेंट है और साथ ही मैं आपको बताऊं आपको पूरे सार्थकता के साथ तन्मयता के साथ पढ़ाया गया है और उसी प्रेरणा को बनाए हुए रखिएगा आप पढ़िएगा समझिएगा याद कीजिएगा और बनना न बनना ऐसी कोई बात नहीं है हम पहले ही क्यों करेंगे ऐसा हमें तो वो करना है सीट मिलेगी तो मिलेगी नहीं तो हम छीन लाएंगे उस हक के लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं क्योंकि हमें पतना है हमें पता है उस सीट के लिए हमें क्या करना है तो मैं आप लोगों के साथ pratyeksh अप्रत्यक सहायक किसी भी रूप में कभी भी मेरे साथ जरूरत पड़े मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगी क्योंकि आप ही मेरा गुरु हैं आप ही मेरी ताकत हैं जो कुछ भी है आज में जो हूं वो सिर्फ आप हैं मैंने एक बात मैं सीधे शब्दों में कई बार आपसे बोलते हूँ ना मैंने तुम पे कोई एहसान किया है ना तुमने मुझ पर कोई एहसान किया है आपने अपना उद्देश्य पूरा किया है मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया है और इसी करते हुए कि जीत तभी होगी जब आप सफल होंगे और सच में ये बच्ची जैसे बोली है अभी तो बैच शुरू हुआ है मैम तो अभी अपना ये कारवा बढ़ने वाला है आप ही के सभी साथी मिलकर जब ये लगेगा कि जब पेपर दोगे जब रिजल्ट आएगा और संस्कृत समृद्धि के सभी विद्यार्थी मिलकर इसी तरीके से हम दुनिया को बताएंगे इसे कहते हैं संस्कृत पढ़ना बता दो सबको कि अभी भी यदि अभी भी आप इसी अंधेरे में हो तो चेत जाइए अब तो सिर्फ छह महीने अब तो सिर्फ छह महीने की बात है अब तोड़ दो अपने आप को झोंक दो अपने आप को कूद जाइए पर किसी चीज से घबराइए मत ना कोई परिस्थिति हमें रोक सकती है ना कुछ रोक सकता है अपनी अंतरात्मा के सुने खुद का गुरु खुद होता है खुद का शिक्षक खुद होता है और तरीके से पढ़िए अभी तो पूरी के पूरे छह महीने बाकी हैं तरीके से पढ़ेंगे रणनीति से पढ़ेंगे कोई मायना नहीं रखता है कौन कितना क्या पढ़ता है मायना यह रखता है कैसे पढ़ा जाता है और क्या पढ़ना है दोनों ही बातों के लिए हम आपके साथ रहेंगे और इसी साथ के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं सच में अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूं कि मुझे आप जैसी धरोहर मिली मुझे आप जैसी मेरी विरासत मिली सच में याद रहेगा ये बैच सच में याद रहेंगे आप कहने का मतलब ये है कि जो जुड़ाव आपसे और हमसे जो बना है उसको लोग उदाहरण के रूप मिशाल में मिसाल में बनाएंगे हमें कुछ कर गुजरना है सच में आपसे मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ आपसे मैं बहुत प्रेरणाएं रखती हूं आपसे बहुत उम्मीद है आपको मेरे सपनों को पूरा करना होगा आप मुझे जितना चाहे, जैसे चाहे, जो चाहे जैसे करो मैं वैसे आप लोगों के आप बोलोगे टॉपिक पूरे सलेबस को ऑब्जेक्टिव बना लेंगे पूरे सिलेबस को तैयार कर लेंगे बस चाहिए तो सिलेक्शन चाहिए